नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। वैशाली प्रखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजमझौली के वार्ड नंबर 4 में नल जल योजना में वृहद पैमाने पर लूट किया जा रहा है, जिसका जीता जागता नमूना मौके पर पहुंचकर देखा जा सकता है। उक्त वार्ड 4 के सदस्य शिव कुमार सिंह हैं, जिनके द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं में नल जल योजना का कार्य अभी तक कागजों तक ही सिमट कर रह गया है और सारे पैसों की निकासी कर ली गई है। इस संबंध में वार्ड सदस्य ग्रामीणों द्वारा पूछताछ करने पर प्रखंड के अधिकारी का हवाले देकर और दबंगों द्वारा लोगों को नाम लेकर ग्रामीणों को डरा धमकाकर अन्य मामले में फंसा देने का बात करते हैं। इस पूरे मामले पर BDO कुमार मनीष भारद्वाज ने टाल मोटर करते हुए लॉकडाउन में व्यस्तता होने की बात बताई, जबकि सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दौरान नल जल कार्य को पूरा करना है। ये वैशाली प्रखंड क्षेत्र के मझौली पंचायत के 4 नंबर वार्ड का समरसेबुल बोरिंग है, जिसमें काफी अनियमितता और लूट खसोट का मामला आ रहा है। इसमें वार्ड सदस्य लेकर के और इससे जुड़े पदाधिकारी का भी इसमें मेलजोल दिख रहा है। देखिए, ये वार्ड नंबर 4 का बोरिंग है, जिसे पेपर पर 4 नंबर शो किया गया है। बाकी यहाँ का लोग का कुछ कहना है कि नहीं, 4 नंबर नहीं है, ये मझौली ग्राम के मझौली पोखर है, जो 10 नंबर वार्ड में पड़ता है। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग भी देख रहे हैं इसको, ये 4 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये 4 नंबर है, ये बोरिंग, ये 10 नंबर मझौली पोखर है। और ये आप देख सकते हैं सड़क है, ये सड़क जो दिखाई दे रहा है आपको, रोड से दाहिने साइड में नीचे में से ब्रटिया गाँव चालू है, जो 4 नंबर वार्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं पोखर के साइड में, आप देख रहे हैं कि मझौली पोखर है, आप ये देख रहे हैं कि मझौली पोखर है, ये जो वार्ड नंबर 10 में पड़ता है। ये मझौली पंचायत का बहुत पुराना पोखर, जो इसमें सर्वे में भी है और सरकारी पोखर इसको माना जाता है। ये 10 नंबर वार्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं ये पोखर से सटे हुए ये समरसेबुल पंप जो गाड़ा गया है 4 नंबर वार्ड के नाम पर खानापूर्ति किया गया है। यहाँ के वार्ड सदस्य शिव कुमार सिंह है, जिनका कहना है कि नहीं, हमारी पदाधिकारियों से मिलजुल से गाड़ा गया है, बिना पदाधिकारी के मिलो से अगर हम काम करते तो 4 का 10 में मेरा काम नहीं होता। आप देख सकते हैं जो सड़क है, बच्चा लोग खड़ा है, उससे नीचे दाहिने साइड में ही ब्रटिया गांव है। लेकिन ये एक काफी घोर अनियमितता और पदाधिकारी और वार्ड सदस्य के मेल जोल से है। इसकी जांच हो और इस पे कानूनी कार्रवाई हो, ऐसे वार्ड सदस्य की मनमानी और इससे जुड़े हुए जो भी प्रतिनिधि हैं उन पे कानूनी कार्रवाई हो। इसके लिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी वैशाली से भी बात किया हूँ, उनके आवेदन भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम इस पर आज प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करते हैं, क्या इस पर कहते हैं, उसके बाद आगे की बढ़ाई जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मनोज शर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? बरटिया। कितने नंबर वार्ड में? 4 नंबर। आपके यहाँ नल जल योजना का कार्य हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा ही पाइप गाड़ के ऐसा ही छोड़ा हुआ है। आपके यहाँ बोर्डिंग गड़ा है अभी? बोर्डिंग तब था, वो क्या हुआ उखाड़ के ले गया सर। नहीं, आपके यहाँ नल जल का जो बोर्डिंग है, जो स्ट्रक्चर बनाया करा के, आपके वो नहीं गड़ा है? 4 नंबर नहीं गड़ा है? नहीं। बाकी पेपर पर तो बताया जा रहा है कि 4 नंबर बोर्डिंग हल चुका है। नहीं गड़ा है। आप जान रहे हैं एक मझौली पोखर पर जो बोर्डिंग है, वो शायद बरटिया के नाम पे है क्या? हाँ, वही बरटिया के नाम। तो कितना नंबर वार्ड पड़ता है? वो 10 नंबर है। 4 नंबर नहीं है? नहीं, 4 नंबर नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वर सिंह। आपके वार्ड में 4 नंबर में अभी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा 7 नल योजना के तहत जो नल जल योजना का जो कार्य किया गया है, आपके पंचायत में हुआ क्या? पंचायत में तो हुआ है। आपके वार्ड में 4 नंबर में हुआ है, लेकिन नल अभी जल का उपाय नहीं है। आपके यहाँ बोरिंग है 4 नंबर में? 4 नहीं है, 4 नंबर वाला मझौली पोखरा पर है। वो आपके 4 नंबर में नहीं है? नहीं है, मानकर चलिए मझौली पोखरा पर है। तो मझौली जब पोखरा पर है, तो मझौली पोखरा 4 नंबर है या दूसरा कोई वार्ड है? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, जानो कि ना, ये 4 नंबर में पड़ेगा कि मझौली में पड़ेगा, ये जांच की विषय है ना। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजेश्वर सिंह। कितने नंबर वार्ड में खड़े हुआ? 4 नंबर में। तो आपने देखा ग्रामीणों ने क्या कहा और खुद इस पर BDO ने क्या कहा। बहरहाल मामला जांच के घेरे में, जांच होनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बावजूद भी सरकार के महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना लगातार चल रहा है और सरकार भी इसे चलाने की जो बात वो कह रही है, अगर इसमें किसी तरह का कोई भी अगर गड़बड़ हुआ तो वाकई में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।